हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, आई एम प्रदीप कुमार, योर लर्निंग पार्टनर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क स्टडी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी, वर्क स्टडी होता क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इसके। ठीक है, स्टेप्स इन वर्क स्टडी, कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट नेम्स ऑफ वर्क स्टडी, कौन कौन से नेम्स हैं वर्क स्टडी के। ठीक है, जिनसे हम उन चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे हम। एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी करेंगे भाई इसका, अगर हम अब कोई अप्रोच कर रहे हैं, कोई हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिलॉसफी यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट्स क्या है हमारे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहाँ पे नहीं है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे उसका। ठीक है, और डिफरेंट नेम्स क्या हैं उसके वो करेंगे, और फिर लास्ट में हम करेंगे स्ट्रक्चर, कि उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो अप्रोच कर रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, ये सारी की चीज़ें हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से और इसको कहते क्या है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, वर्क स्टडी इज़ अ जेनरेटिव टर्म फॉर दोज टेक्निक्स पर्टिकुलरली मैथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। यहाँ पे ये तीन वर्ड का ध्यान रखना है, टेक्निक्स, मैथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ठीक है, विच आर यूज टू एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड विच सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द एफिशंसी एंड इकोनॉमी ऑफ द सिचुएशन बिगिन रिव्यू इन ऑर्डर टू इफेक्ट इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब वर्क स्टडी एक वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब किस मेथड से हम काम कर रहे हैं उसको स्टडी करेंगे, क्या हम प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है, कैसे हमारी अप्रोच है उसको स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से, और वर्क मेजरमेंट, मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, हम किस, मतलब एक स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा, स्टैंडर्ड जो हमारे सेट्स हैं या स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कितना उसको मीट कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन वर्क उस सेगमेंट को और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जो एफिशिएंसी और इकोनॉमी के ऊपर क्या उसका फ़र्क पड़ रहा है। क्लियर, मेथड स्टडी को और क्या कह सकते हैं हम, मेथड स्टडी इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे वर्ड आया रिकॉर्डिंग, कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क, हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, देन उसके रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिनेशन, उसके सारे सेगमेंट्स को, हर एक सेगमेंट्स को हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है प्रॉपर बिहेवियर को, कि कहाँ पे कोई भी अगर लिटिल बिट चेंजेस हो रहे हैं तो यू हैव टू बी रिकॉर्ड इट। ठीक है, उसको हम सेपरेट, अगर कुछ, अगर सब पार्ट्स में भी कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक, किसी भी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं, सिंगल से सिंगल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और एग्जामिन करेंगे। ठीक है, एज मीन्स ऑफ डेवलपिंग अप्लाइंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड रिड्यूस कॉस्ट। अब उससे क्या होगा, जब आप इतना रिकॉर्ड कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो हमें क्या करें, एक जो फुल प्रूफ, एरर फ्री एक जो है हमारा प्रोसेस, उसको बनाने के लिए हमें हेल्प मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी कम, और एक हमें इफेक्टिव एक मेथड मिलेगा। क्लियर है, ये देखें, वर्क मेजरमेंट, टाइम स्टडी, ये भी होता है, टाइम स्टडी एक चीज़ है, हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट स्पेसिफाइड जॉब एट अ डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, सपोज एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है,
और एक वर्कर सी है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी हमारी 70% है, इसकी 80% है और इसकी 90% है, ठीक है। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, हर एक का काम करने का तरीका अलग है, सबके स्किल सेट्स अलग हैं, लेकिन जब आपको वर्क मेजरमेंट करना है, क्या करना है, वर्क मेजरमेंट करना है, यहाँ पे जो वर्क मेजरमेंट करना है, तो आप बेस जो है स्टैंडर्ड किसको लेके चलोगे, आप 70% को स्टैंडर्ड मानोगे, 80 को मानोगे या 90 को मानोगे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में क्या करते हैं हम, एक क्या है, एक क्वालिफाइड जो वर्कर है, एक जो हमारा सेटिस्फाई वर्कर है, ठीक है, क्वालिफाइड जो वर्कर है, उसके स्टैंडर्ड्स को हम लेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को हम लेंगे और उससे वो काम करवाएंगे। सपोज डी ने ये काम किया है, ठीक है, और इसने ये काम किया है 75% एफिशिएंसी के साथ में, तो अगर ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा क्वालिफाइड वर्कर है, तो हम जो स्टैंडर्ड जो बेस बनाएंगे ना, इस 75 को बना देंगे, ठीक है। इसके नीचे जो जाएंगे लोग, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिजेक्टेड हो जाएंगे या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो जा रहे हैं वो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, और वहाँ पे, और ये जो लोग हैं जो 75 से अबव हैं, ये एक क्रिटिकल जो टास्क होगा हमारा, क्रिटिकल जॉब्स है, कॉम्प्लिकेशन जॉब्स हैं, उनको बनाने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क माने काम, जो भी आप टास्क कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम जो है, यहाँ पे जो वर्क है आपका, ये इंडस्ट्री के अंदर हो, ये काम आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आईटी वर्क भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है, मतलब ये जो वर्क स्टडी की जो एप्लीकेशन है ना, ये जो अप्रोच है हमारी, ये जो फिलॉसफी है, जो टेक्निक है हमारी, ये आप किसी भी एरिया में, किसी भी प्लेस पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑल दो बस वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही हो और आपको उस एक्टिविटी को चेक करके इम्प्रूव करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इट हेल्प्स इन द यूज़ ऑफ 100% ऑफ द प्लांट, मतलब 100% ऑफ प्लांट को यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा स्पेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटेगी जिसको यूज़ ना करें, इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे, सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ होना चाहिए, मैन पावर, मटेरियल, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, मेकिंग स्टैंडर्ड, जो मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा था ना अभी आपसे, कि एक एम्प्लॉई है, ठीक है, 75% है, ठीक है, उसको हम बेस मान के चलें, तो वो स्टैंडर्ड सेट करने में हमें हेल्प करता है, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है। इट हेल्प्स डेवलपिंग द इफेक्टिव मेथड ऑफ डूइंग जॉब, इफेक्टिव मेथड, सबसे इफेक्टिव मेथड, जिसमें सबसे कम कमियां हों, जिसमें सबसे कम टाइम लगे, कम रिसोर्सेज लगे, ठीक है, वो हमारा जॉब करने का एक तरीका हमें मिल जाएगा वहाँ से। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट का इफेक्टिव वे, मतलब आप ह्यूमन जो एफर्ट है आपका, मैन पावर, उसको कैसे यूज़ करोगे, एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हिज और हर स्किल एट ऑप्टिमम लेवल। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हिज और हर स्किल, मतलब जो उसके स्किल सेट्स हैं, सपोज़ कोई पावर पॉइंट में अच्छा है तो वो पावर पॉइंट का, कोई एक्सेल में अच्छा है, कोई वर्ड में अच्छा है, कोई डिज़ाइनिंग में अच्छा है, कोई कोडिंग में अच्छा है, ठीक है, तो उसके स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग उसको हम जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पे हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेन मटेरियल एंड मशीन, मतलब 3 M's को हमें कोऑर्डिनेशन में रखना है, मैन, मटेरियल, मशीन, ठीक है। अब इसमें दो ऐड मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से, M, मेथड एंड मनी। मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, किस मेथड से हम काम कर रहे हैं, और मनी हमें किस लिए चाहिए, हर एक चीज़ के लिए मनी चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स टू क्लीन पाथ टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट। अब देखो क्लीन पाथ का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वर्ड को इसमें छुपाया हुआ है, क्लीन पाथ में क्या हो गया यहाँ पे, कि जितने भी एरर थे हमारे, वेस्ट थे हमारे, ठीक है, या जो नो नीड जो इक्विपमेंट है हमारे या प्रोसेस है हमारे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे, तो क्या बचेगा, आपका जो पाथ है जब आप ऐसे ऐसे घूम के जा रहे थे, अब ये क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट रिड्यूस द वेस्ट टास्क, इलिमिनेट द वेस्ट एक्टिविटी इन द प्लांट, शॉप फ्लोर एंड यूज़ हैंडलिंग, क्लियर है।
इट हेल्प्स इन द जॉब सिंप्लीफिकेशन एंड जॉब स्टैंडर्डाइजेशन. वेरी सिंपल, मतलब जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो कि आपने वेस्ट निकाल दिया, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, ऑप्टिमम स्किल के अकॉर्डिंग लोग काम कर रहे हैं, तब क्या होगा, एक जो वर्क था आपका सिंप्लीफाई होगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका वर्क. ठीक है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो हट जाएंगी, या कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है उसको हम वर्क स्टडी की हेल्प से क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और वर्क स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड के फॉर्म के अंदर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्लान ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 100% यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का. ठीक है, प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट ये वर्ड आप लोगों को पहले भी सुन चुका है. लेआउट में क्या होता है, जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, एक एक हर एक इक्विपमेंट की, हर एक चीज़ की, हर एक लोकेशन जो होती है वो प्लांट लेआउट के अंदर आती है. हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, अब इसके बाद क्या हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्टेप्स इन वर्क स्टडी. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वर्क स्टडी के अंदर, ठीक है, तो हमारे कौन से हैं, फर्स्ट सेलेक्ट, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड एग्जामिन, फोर्थ डेवलप, फिफ्थ डिफाइन एंड सिक्स इंस्टॉल. क्लियर है? अब फर्स्ट में हम करेंगे क्या, बेसिकली सेलेक्ट में क्या करेंगे, सेलेक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, सपोज़ आपके पास किचन है, आपके पास कोई किचन का बिज़नेस है, ठीक है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो किचन है, तो वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपने पहले सेलेक्ट किया ना वो एरिया. अब उस किचन के अंदर कौन सा एरिया आपका, भाई फूड एंड सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, वहाँ पे करना है. ठीक है, या शेफ़ के पास कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पे करना है, या आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे करना है. तो मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया पहले अपने आप. ठीक है, जैसे हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं. ठीक है, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक पिक करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे सिलेक्शन वही है कि जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है वो एरिया सेलेक्ट करना आपने. ठीक है, सिलेक्शन हो गया सबका. ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. अब वहाँ पे हमने कैमरे लगा दिए, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स लगा दिए. अब जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या हो जा रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं सारी की सारी. यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले जो जो पॉइंट है हमारा, वहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं. फिर यहाँ पे हमारे क्या बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, जो क्या करेंगे, इस रिकॉर्डिंग को, ये जो रिकॉर्डिंग है इसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे. मतलब वहाँ पे क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, क्या नेगेटिव चीज़ें थी, इन्होंने दोनों उन्हें निकाल दिया. अब किसको आप इलिमिनेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, किसको आप बाहर निकाल सकते हो, वो चीज़ें करेंगे. अब जब आपने इतना बड़ा सिस्टम था, इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव जब बाहर निकाल दिए, नई चीज़ों को डाल दिया, एड ऑन कर दिया, अब क्या बना, अब आपके पास कुछ नया एक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहेंगे आप, डेवलपमेंट. वहाँ पर आप नया स्ट्रक्चर, नया प्रोसेस आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो. ठीक है, विद न्यू एडिशंस. ठीक है, जिस चीज़ों को आपने इलिमिनेट किया है, यहाँ से निकाला है बाहर, ठीक है, जिस चीज़ को आपने बाहर निकाल दिया उसकी जगह पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना भाई, चाहे उसकी जगह पे मटेरियल आए, मशीन आए, इक्विपमेंट आए, ठीक है, या कोई स्टोरेज चीज़ आए, ठीक है, या कोई मशीन आए, ठीक है, वो भी जो चीज़ है वो इलिमिनेट करके नया डिफाइन बनेगा, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट. अब डिफाइन में क्या होगा, डिफाइन के अंदर क्या होगा, जो भी चीज़ आपने नया जो सिस्टम बना दिया है, ये जो नया सिस्टम आपका न्यू सिस्टम बन चुका है ना, न्यू सिस्टम जो है, अब इसके अंदर हर एक चीज़ को आपको डिफाइन करना है. क्योंकि जो पहले वाली चीज़ थी वो तो आपने क्या कर दिया, उसको तो आपने डिस्टर्ब कर दिया बिल्कुल. ठीक है, तो अब जो नया जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो आप उसको. ठीक है, अब जब वो डिफाइन हो चुका है प्रॉपर तरीके से, अब क्या करेंगे, अब जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, बना दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो अब क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे ना उसको, आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया वो अपने प्लांट के अंदर. अब सब लोग इस इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल जो एक्टिविटी है, इंस्टॉल जो आपका जो प्रोसेस आपने जो डिज़ाइन दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग सब काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉल. ठीक है, आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमारा वर्क स्टडी के प्रोसेस क्या है. पहला, सबसे पहला बिल्कुल सिंपल बात, सेलेक्ट. कोई भी हम काम कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि हमें करना क्या है बेसिकली. फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो रही हैं, नेगेटिव हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रहा है, कुछ भी जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी आप रिकॉर्ड करोगे. उसके बाद क्या करोगे, एग्जामिन, भाई क्या सही है और क्या गलत है. सही बात है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या इफेक्टिव है क्या डिफेक्टिव है. ठीक है, वो सारा सिस्टम हमें पता लग गया यहाँ पे एग्जामिन करने के बाद. उसके बाद क्या, जो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, मल्टीप्लाई था, ऊपर था, नीचे था, वो सब क्या आपने निकाल के नया सिस्टम बना दिया. ठीक है, अब नया सिस्टम क्या हो गया, फास्ट हो गया. ठीक है,
अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्या हुआ है, अपने वेरिएबल्स ले लिए, कंस्ट्रेंट्स ले लिए, उनको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, अभी क्या कोई क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे प्लांट के अंदर इसको, सब लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या, डिफरेंट नेम्स ऑफ वर्क स्टडी। अब क्या बहुत सारी बुक्स में, या अगर आप पेपर्स वगैरह पढ़ोगे या नेट पे पढ़ोगे ना, तो वर्क स्टडी को डिफरेंट नेम से ही बुला रखा है। मोशन एंड टाइम स्टडी भी बोलते हैं, जॉब डिज़ाइन भी बोलते हैं, मेथड इंजीनियरिंग भी बहुत से लोग बोलते हैं, वर्क साइंस। भाई साइंस क्या है, स्टडी कर रहे हैं ना इसको स्पेशल तरीके से, तो उसको वर्क साइंस, तो वर्क को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वर्क साइंस हो जाएगा। वर्क मेथड डिज़ाइन एंड वर्क मेजरमेंट, ये हम ऊपर भी डिफाइन कर चुके हैं, वर्क मेजरमेंट और वर्क मेथड, ठीक है, वर्क डिज़ाइन, ये सब चीज़ें इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए उसने इनडायरेक्ट वे के अंदर कभी कुछ पूछा है तो। क्लियर है, क्लियर है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। मोशन एंड टाइम स्टडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, मैथड इंजीनियरिंग, वर्क साइंस, वर्क मैथड डिज़ाइन एंड वर्क मेजरमेंट एंड वर्क डिज़ाइन, ओके। अब क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई। ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए थे, जहाँ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना हमारे, ऑब्जेक्टिव्स में ही आधे बेनिफिट्स हमारे छुपे होते हैं या एडवांटेजेस छुपी होती हैं, ठीक है। तो अब इनको भी एक बार देख लेते हैं, क्या क्या कह रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। जब सीधी सी बात है यार, जब आपका सिस्टम अच्छा हो चुका है, जब आपके रिजेक्शन नहीं हो रही है, आप वेस्टेज में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, मशीन वेस्ट नहीं कर रहे हो, टूल्स आपके ख़राब नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। जब सीधा हमें पता है कि ये काम करना है डायरेक्ट, पहले आप घूम के जा रहे थे ऐसे ऐसे, अब आपको सीधे ऐसे जाना है, ठीक है, तो टाइम बच गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट घट गई आपकी, एंड वेस्टेज ऑफ मनी। जब देखो, जब फालतू की चीज़ें, जब यूजलेस जो हमारी एक्टिविटीज़ थी या हमारा कोई भी प्रोसेस हो रहा था, अगर उसको हमने रिड्यूस कर दिया, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, सिस्टम से बाहर निकाल दिया, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो गया, एफिशिएंसी हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज़ आप 100 पीसेज बना रहे हैं, जिसमें से आप 20 ख़राब बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने वो 20 ख़राब नहीं बनाए, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कितना हो गया, पहले आपको 80 पीसेज के ऊपर 80 पीसेज पे पैसा मिल रहा था प्रॉफिट, अब आपको 100 पीसेज पे मिल रहा है, तो 20% तो आपकी कॉस्ट यहीं बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, ये भी कम हो गई, ठीक है। एफिशिएंट प्लांट लेआउट, तो प्लांट जो लेआउट है हमारा, वो भी जब हम इंस्टॉल और डिज़ाइन कर रहे थे ना, वहाँ पे डिज़ाइन और एग्जामिन कर रहे थे, तो प्लांट लेआउट भी हमारा इंप्रूव्ड होता है, ठीक है। इफेक्टिव मैन पावर एंड बेटर प्लानिंग, मैन पावर जो होती है हमारी इफेक्टिव यूज़ होती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था स्किल्स के अकॉर्डिंग हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड वेजेस टू द एम्प्लॉयज़। अब जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वेजेस तो अच्छे मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो इसमें वो सेल्फ सेटिस्फाई भी रहेंगे और तो काम भी अच्छा होगा, ठीक है। वर्कर सेटिस्फाई होगा तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हिंदी में एक क्या नाम है, लोग कुछ कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी उसके हाथ पे आ जाएगी ना, तो कभी भी आपका काम ख़राब नहीं होगा, कभी भी लेबर गलत काम नहीं करेगी, वो जी जान लगा के 100% दे के अपना प्रोडक्शन को अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो कल को अगर आप बनते हो, इंजीनियर बनते हो, स्टार्टअप चलाते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो कभी दुखी ना हो आपसे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस लेक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ वर्क स्टडी। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्क स्टडी। अब यहाँ पे देखो, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना अभी तक, 4 या 5 स्लाइड्स के अंदर, 10 स्लाइड्स में, वही चीज़ें यहाँ पे हमने एक ब्लॉक डायग्राम में बना दी हैं। कैसे, ये देखो, वर्क स्टडी ये रहा आपका, ठीक है। वर्क स्टडी से हमने क्या किया, वर्क स्टडी से हमने किया मेथड स्टडी पे गए और वर्क मेजरमेंट पे गए, ठीक है। मेथड स्टडी को क्या बोलते हैं हम, मोशन स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। वर्क मेजरमेंट को बोलते हैं हम टाइम स्टडी। ये जो है आपका मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, ये जो हमारा जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं इस चीज़ को कवर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम इसको ब्लॉक डायग्राम की वजह से हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो
तो वर्क स्टडी से हम गए मेथड स्टडी के अंदर, मेथड जो भी था हमने, मेथड जो अप्रोच जो यूज़ की थी वहाँ से उसको करते हुए एक मेथड हमने बना लिया, बहुत अच्छा मेथड बना दिया ए, ठीक है। अब इस ए मेथड को हमने क्या किया, वर्क मेजरमेंट, इसको टाइम के अकॉर्डिंग चेक किया कि ये जो हमने टाइम डिसाइड किया था स्टैंडर्ड उसमें ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा हमारा, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे लेक्चर से आपको हेल्प हो रही है, आपका जो स्टडी में जो सेल्फ स्टडी जो कर रहे थे उसमें थोड़ी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल मेरे नाम से है, प्रदीप कुमार के नाम से है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।